दो लोग आपस में गॉसिप्स कर रहे हैं, फिर व्हाट्सएप के अंदर चल रहा है, फिर एक बंदे को व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल देते हैं और उसके बारे में उस ग्रुप के अंदर बातें चलना शुरू हो जाती हैं, फिर एक बंदे के हवाले से पूरा ग्रुप बन जाता है व्हाट्सएप का। ये सारी चीज़ें गीबतों के अंदर आएंगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़िक्रु का अखा का बीमा यकरा, कि अपने भाई का वो जिक्र करना, अपने भाई को उन अल्फाजों में याद रखना जिसमें उसको अच्छा नहीं लगता, ये गीबत है। अपने भाई को उसके पीठ पीछे, उसकी बैक पे इस तरह इन अल्फाजों में याद करना जिससे उसको अच्छा ना लगे। तो सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर वो चीज़ें उसके अंदर हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वही तो गीबत है। अगर तुम वो बातें कर रहे हो जो उसके अंदर नहीं है, तो बहत्ता हूँ, तुमने बोहतान लगाया, तुमने उस पर बोहतान लगाया, इल्ज़ाम लगाया, वो तो अलग चीज़ है, वो तो अलग गुनाह है, वो तो एक अलग ज़बान की जो है वो कमाई है जिससे इंसान जहन्नम में ले जाया जाएगा। लेकिन गीबत ये है कि आप किसी इंसान के पीठ पीछे वो बात करें जो उसको अच्छी नहीं लगती।